हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज करने वाले हैं कुछ, आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको ब्लॉग के लास्ट में, तब तक के लिए वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, इस टाइम शाम का 5 बज रहा है। तो अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा हो रहा है। तो वीडियो में थोड़ी देर बने रहिए, आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कैसा हो रखा है। तो अभी शाम का 5 बज रहा है। तो फिर अभी स्टडी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं वीडियो के लास्ट। जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, तो एक बात गांठ बांध लो इस दुनिया में। तो चलिए अभी आपको किचन का नज़ारा दिखाते हैं कैसा हो रखा है। तो क्योंकि आज रूम को साफ किए थे, तो यहाँ पे पूरा सफा हो चुका है यहाँ पे। तो पहले आप वीडियो में देखे होंगे यहाँ पे दूसरा कुछ रहता था, अभी दूसरा कुछ है। और कुछ पेपर यहाँ पे सटे हैं, तो पहले गंदा ज़्यादा लगता था, अब कुछ ठीक लग रहा है। तो आपको चलिए ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको मिलते हैं कुछ देर बाद ब्लॉग में ऐसे ही। किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मंजिल को पानी है तो शांत रहो, शांत रह के मेहनत करो, अपनी दुनिया अपने तक ही रखो। किसी को उसके बारे में तब तक मत बताओ जब तक कि तुम उसे पा नहीं लेते। नहीं, तुम खुद सोच के देखो, किसी को बताने से भला तुम्हें क्या मिलेगा। नाम और शोहरत अक्सर कामयाब होने के बाद ही मिलती है, लेकिन पहले उसके बारे में शोर करना ये कोई समझदारी नहीं। पता है, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, लोग उनकी कामयाबी से जानते हैं, लोग उनको उन। तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे, एक और जो रहता है उसके रूम में। तो यहाँ पे मैथ का रिवीजन कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको दिखाते हैं। उनके इन्वेंशन से जानते हैं, किसी का भी नाम उनके काम की वजह से बनता है। देखो, गलतियों करके सीखने का दौर अब चला गया। अगर आप गलतियों से सीखोगे तो आपको बहुत लंबा और बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप स्मार्ट बनो, दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने आप को और बेहतर बनाते जाओ। थॉमस एडिसन जब बल्ब के बारे में लोगों को बताते थे तो सब उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, ये कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाने जा रहा हूं जिसको जला देने से अंधेरा मिट जाएगा, जो उजाला देगी और अंधकार को दूर भगाएगी। लोग बहुत हंसते थे कि ये कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया क्या। लेकिन जब हजारों बार फेलियर के बाद, चलिए अब अपना रूम चलते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, स्टडी स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। उन्होंने ऐसी डिवाइस बना ली, तब लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे, तब सब वाह वाह करने लगे, और आज उनकी काबिलियत पूरा संसार जानता है। देखो, दिमाग का काम होता है सोचना, और तुम्हारा काम होता है उस पर एक्शन लेना। इसीलिए अपनी एक अलग डायरेक्शन बनाओ, अच्छी चीजें सोचो, उसके बारे में एक अलग लेवल का इमेजिनेशन क्रिएट करो। दुनिया ऐसे ही बनती है, रंग ऐसे ही बिखरते हैं। देखो, कोई किसी का साथ नहीं देता, इस बात को तुम जानते हो। कोई जिंदगी भर साथ नहीं रहता, इस बात को भी तुम समझते हो। तो फिर भला समय को बर्बाद करने का क्या मतलब बनता है। अपनी बात अपने राज क्यों सबको बताया जाए। चलो, छुप के एक नई दुनिया बनाया जाए। जब होंगे कामयाब तब बताएंगे सबको, जब मिल जाएगी मंजिल तब दिखाएंगे सबको। क्योंकि जब तुम लोगों से मिलोगे तब तुम नहीं रहोगे, तब होगा ऐसा शख्स जो तुम्हारी मुश्किल वक्त और तुम्हारी कठिनाइयों वाले रास्ते बिना बताए समझाएगा सबको। सही कहा किसी ने, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। किसी को खबर न लगे कानो कान
कि तुम्हारी कामयाबी इतनी तहलका पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। भीड़ इकट्ठा होती है, बैच खत्म होने तक भीड़ गायब हो जाती है। अगर सपोज 10,000 बच्चे पढ़ाई की तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो बैच खत्म होते होते 10,000 में से मुश्किल से 700-800 ही बचते हैं। 9,000 बच्चे मर जाते हैं, उनके पढ़ाई से रिश्ता टूट जाता है। तो कुछ दिनों की बात है, आप लोग इधर उधर हो जाओगे, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, जिनको वाकई में नौकरी चाहिए, वो रुकेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए। तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।